हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी सेटअप रेडी नहीं हो पाया है क्योंकि घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर मुझे लगा कि क्यों टाइम वेस्ट करना, इसलिए जैसे भी पॉसिबल हो पाया मैंने स्टार्ट कर दिया और अभी वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज, कुछ समय तक ऐसे ही मैनेज कर लीजिएगा और मेरे से कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि सब ठीक तरह से हो। मैंने सब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, बस मुझे आप सबकी दिल से हेल्प करनी है और आप सबको साथ लेकर चलना है। मुझे आप सबको बहुत सारी चीज़ें सिखानी है। तरीका कुछ भी हो सकता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कंटेंट आपको मोबाइल से रिकॉर्ड होके मिले या सेटअप से शूट वीडियो मिले, बस मुझे आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना है और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको तो बस पढ़ना होता है। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ऊपर कैलकुलेशन, उसके बाद एडिशन। एडिशन में मैं आपको आज टाइप फर्स्ट कराने वाला हूँ। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि नॉर्मल कोई भी डिजिट लिखकर आपको उसको ऐड करना होता है। जैसे जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, मैंने पहले से नंबर इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको ये ना लगे कि वो मैंने पहले से रट रखे हैं या मुझे पहले से आते हैं। नहीं, जो भी मैं लिखूँगा आपके सामने लिखूँगा और उसको ऐड करूँगा। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने ये नंबर लिखा, इसको मुझे ऐड करना है। जैसे 2 और 3 कितना होगा, 5। 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। इस तरीके से जैसे मैं सेकंड नंबर लिखूँ, 4 3 2 1 8 9 3 2। इस तरीके से देखिए, फर्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे तो एकदम से इतना अच्छा फ्लो नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके माइंड में चीज़ें रुकना स्टार्ट होगी। नहीं तो क्या होगा, शुरू में चीज़ें आप भूलोगे। जैसे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 9 27 और 3 30 और 2 32। इस तरीके से 4 5 9 3 2 8 3, इस तरीके से 5 4 9 9 18, 18 और 3 21 23 24 और 24 और 8 32, 32 और 3 35। मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं, मैं भी थोड़ा स्पीड से ही करूँगा जिससे आपको ये लगे। इस तरीके से क्या करना है, आपके माइंड को एक थोड़ी फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ी हैबिट बनेगी प्लस करने की। जैसे 17 में एकदम से 8 ऐड करते हैं तो अगली डिजिट क्या होगी। तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है कि आपको ये थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा, ऑकवर्ड सा लगेगा, एकदम से नहीं हो पाएगा, चीज़ें होल्ड नहीं हो पाएगी माइंड में। तो उस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। अभी क्या आएगी, स्टार्टिंग में आपके जो माइंड का प्रोसेसर है वो थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसको हैबिट में लेके आना है। जैसे आप हैबिट में लेके आएंगे तो क्या होगा कि आपका माइंड एकदम से फिर रिएक्ट करेगा। अभी स्टार्टिंग में रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका माइंड क्या होगा, ऑटोमेटिक रिएक्ट करेगा। और आपको अपने माइंड के प्रोसेसर को थोड़ा फास्ट करना है, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जैसे 9 और 5 14 और 3 17 18 19 20 और 8 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40। मेरे से भी गलती हो सकती है, अगर गलत हो जाए तो माफ़ कर देना एक बार, मैं भी आप सबके सामने कर रहा हूँ जैसे भी मेरे से हो रहा है। देखो 3 और 3 6 3 और 3 6 6 12, 12 और 3 15 और 2 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 3 37, 37 और 2 39। इस तरीके से 4 3 2 1 8 3 5 6 7 9 3 2 1, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। सीट पे भी मैंने इस तरीके से डाले हुए हैं सारे नंबर्स और ऑप्शन वाइज हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। इस तरीके से आपको शुरू में क्या करना है, 1 से या 2 दिन इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में प्लस एडिशन करके देखना है। इससे क्या होगा कि थोड़ा फ्लो आपको स्टार्टिंग में बनाना है, फिर आगे धीरे धीरे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरीके से हम आगे आगे उसको सीखते रहेंगे।
चार और तीन 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 और 6 ये हो जाएगा 32, 32 और 7 39, 39 और 9 48, 48 और 3 51, 51 और 3, 51 और 3 हो जाएगा 54, 54, 6932186353569921। इसको क्या कर सकते हैं आप, इस तरीके से प्रैक्टिस अपने घर पे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लिया आपने कोई भी रैंडम वर्ड लिखा और उसको ऐड करना है, और फिर क्या करना है कि लास्ट में जब इस तरीके से आपकी एडिंग मतलब हैबिट हो जाएगी, मतलब इसको करने की, ऐड करने की, तो आपको बाद में क्या करना है कि इस तरीके से ही आपको टाइमिंग के हिसाब से फिर उसको टाइम सेट करके आपको करना होता है कि कितने टाइम में मैं कितने इस तरीके के क्वेश्चन कर पाता हूँ। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन एक स्पीड और एक फ्लो में आती चली जाएगी, लेकिन आपको ये रेगुलर करना होगा। मेरे कहने से आप 1 मंथ ऐसा करके देखिए जैसा आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे 6 और 9 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 3 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 6 हो सकता है आप मेरे से फास्ट कर लें, 43 और 6 49, 49 और 8 57, 57 और 9 66, 66 67, 68 और 1 69। इस तरीके से जैसे 3 5 6 9 2 1 8 3 2 6 3 9, इस तरीके से जैसे आपको लेना है 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 9, 14 और 9 23, 23 23 और 3 26, 26 और 8 34, 34 और 3 37, 37 और 2 39, 39 और 6 39 और 6 45, 39 और 6 45 और 3 48, 48 और 9 ये हो जाएगा 48 और 9 57। इस तरीके से आपको डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे कोई भी आप घर पे भी ऐसे ही रैंडम नंबर लिख सकते हैं, बाकी सीट आपको मिलेगी वाया ऑप्शन, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से ही नंबर करके देखने। इस तरीके से हम सारे टाइप वाइज करेंगे, दो दो डिजिट वाले भी करेंगे, 3 वाले भी करेंगे, 4 वाले भी करेंगे। इस तरीके से 7 6 13, 13 और 3 16, 17 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29, 29 और 7 36, 36 और 8 44, 44 और 3 44 और 3 47, 47 और 3 50। देखो मैंने नंबर इसलिए नहीं लिखे ना रैंडम, मैं आप लोगों के सामने नंबर खुद लिखूंगा और खुद ही उसको ऐड करके दिखाऊंगा, तो आपको ये लगेगा कि शायद मैं भी आपके साथ में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले से लिख लेता तो ऐसा भी आप लोग बोल सकते थे कि शायद पहले से प्रैक्टिस कर रखा हो। 9 और 6 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 23 और 2 25 और 1 26, 26 और 8 34, 34 और 3 37, 38 39, 40, 48, 48 और 9 57, 57 और 5 ये हो जाएगा 62। इस तरीके से जैसे 3 4 5 9, 3 2 1 8, 3 2, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कई बार कभी बड़े नंबर आएंगे कभी छोटे, तो उस चीज़ से आपको नहीं घबराना है। कई बार माइंड स्टक भी हो जाएगा या पिछली चीज़ें भूल जाओगे, 17 था या 18 था इस तरीके से, तो उस तरीके से भी धीरे धीरे, लेकिन आपको डेली क्या करना है इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 3 24, 25 26, 27, 27 और 8 35, 35 और 3 38, 38 2 40, 41, 41 और 8 49, 49 और 9 58, 58 और 5 ये हो जाएगा 63। मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल करेक्ट ही करूँगा, अगर गलती हो जाएगा तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे। देखो 5 और 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, 19 और 5 9 और 5 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37, 37 और 8 ये हो जाएगा 45, 45 और 9, 45 और 9 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60।
जैसे 9, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 9, 6, 5, 4। ऐड करो 9, 3, 12 और 5, 17, 17 और 6, 9, 3, 12, 12 और 5, 17, 17 और 6, 23, 23 और 7, 23 और 8, 38, 38, 38, 41, 42, 43, 44, 44 और 9, 53, 53 और 6, 59, 59 और 9, या 59 और 5 जोड़ सकते हो आप पहले, 59 और 44, 44 और 4, 44 और 4 हो जाएगा 48। 9, 6, 3, 2, 1, 8, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9। 9, 6, 15 और 3, 18 और 2, 20, 21 और 8, 29, 29 और 6, 29 और 6 हो जाएगा 35, 35 और 3, 38, 38 और 4, 42, 42 और 5, 47, 47 और 7, 54, 54 और 8, 54 और 8, 62, 62 और 9, 71। इस तरीके से। तो गाइस मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मोबाइल में ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं बना सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि किस तरीके से आपको शीट्स में कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है, और आपको ये प्रैक्टिस इसी तरीके से शीट्स में आपको ऐड करनी है बिना कुछ लिखे, और इसी तरीके से आपको डायरेक्ट नंबर को जोड़ना है। किस तरीके से इसको इस तरीके से जोड़ जोड़ के करना है, और एक से अभी 2 से 3 दिन इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सेकेंड डिजिट और डबल डिजिट और थ्री डिजिट के भी क्वेश्चंस इसमें टाइप वाइज आगे आते रहेंगे। तो फाइनली थैंक यू गाइज, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा, और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स को। और लास्ट में मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा, यूट्यूब में क्या हुआ है कि एक अभी नया अपडेट हुआ है कि जैसे टेलीग्राम कोई भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं तो वो लिंक तभी मतलब ब्लू मतलब उस पर क्लिक आप तभी कर पाओगे। उसके लिए क्या होता है कि एक वेरिफिकेशन अभी यूट्यूब मांग रहा है, तो मैंने वो वेरिफिकेशन कर दिया है जिसको 24 आवर्स लगते हैं उसको अपडेट होने में, तो उसके बाद क्या होगा वो लिंक वहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरीके की PDF आपको जो मिलेगी वो अंकुराना लर्नर्स टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं अंकुराना लर्नर्स, क्योंकि अभी ऐप का लिंक कुछ दिन बाद एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि अपडेशन मैंने वेरिफिकेशन कर दिया है। ठीक है गाइस, जो भी लोग अभी लिंक के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं टेलीग्राम पे, तो वो डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप पर जाकर अंकुराना लर्नर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको कैलकुलेशन की शीट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो गाइस थैंक यू, जय हिंद।